हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट में। एनटीपीसी में रिक्वायरमेंट आई है इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फॉर फीमेल कैंडिडेट और 2021 थ्रू गेट क्वालिफाइड होना चाहिए जो भी कैंडिडेट वैकेंसीज को फिल करना चाहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड क्राइटेरिया क्या है उसका और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। फर्स्ट देखिए जो उसमें इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2021 इन डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट बोला है उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रेस्क्राइब फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल स्लैश पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज स्लैश पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश पावर इंजीनियरिंग। इन में से अगर किसी भी टाइप की आपके पास फुल टाइम डिग्री है, जिस भी ब्रांच से आप लोग हैं, अगर इस ब्रांच से आपकी डिग्री है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए मैकेनिकल में होना चाहिए, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल मैकेनिकल ऑटोमेशन पावर इंजीनियरिंग, जिस भी ब्रांच से आपने किया है मैकेनिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इस ब्रांच से आपने किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्लैश इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसमें आप भर सकते हैं। नेक्स्ट एज लिमिट क्या है, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 27 ऑफ, मतलब कब तक आपकी काउंट की जाएगी, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक आपकी एज काउंट की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इजुअल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट, कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन गेट 2021 परफॉर्मेंस फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट इन एनटीपीसी, फर्दर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी एक्सटेंडेड सब्जेक्ट देयर मीटिंग। तो आप देख लीजिए आप गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डिसिप्लिन एडमिट बाई एनटीपीसी करस्पॉन्डिंग गेट 2021 पेपर जो आपने दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन। प्रोजेक्टेड वैकेंसीज कितनी है, प्रोजेक्टेड वैकेंसी हमारे इलेक्ट्रिकल में टोटल 22 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, जिसमें जनरल 11, ईडब्ल्यूएस 2 एंड ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 1। नेक्स्ट मैकेनिकल में 14 टोटल वैकेंसी है, जनरल 8, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 3, एससी 1, एसटी 1। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 14 वैकेंसी है, इसमें जनरल की 8, EWS 1, OBC 3, SC, ST 1 वैकेंसी है। एंड आप देख सकते हैं प्लेसमेंट कहाँ है द सिलेक्टेड कैंडिडेट, और इसकी मतलब बेनिफिट्स में या सैलरी की बात की जाए तो सैलरी हमारी पे स्केल हुआ 14,000 से 1,14,000, बेसिक पे ऑफ स्केल 40,000 होगा वो भी इवन ग्रेड के अनुसार, एंड टर्मिनल बेनिफिट्स काफ़ी होंगे। प्लेसमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी अंडर गो 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 ईयर तो ट्रेनिंग आपको की जाती है वेरियस एनटीपीसी प्लांट्स पे,
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट विल बी कंसिडर एट द कंसिस्ट ऑफ द कैंडिडेट वर्क एंड शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। आपका जैसे कोई भी जब पावर प्लांट में आप जाएंगे तो आपका 3 शिफ्ट चलती है वहाँ, किसी भी शिफ्ट में आपको ट्रेनिंग के लिए रख सकते हैं। इसमें सिलेबस क्या है और आपका क्या सब कुछ है, सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया है। आप साइट पे जाके, एनटीपीसी की साइट पे जाके या सरकारी रिजल्ट साइट पे जाके, किसी भी साइट पे जाके फुल देख सकते हैं। आपको अगर अप्लाई करना है तो इनके वेबसाइट है www.ntpccareers.net पे जाके आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पे फीमेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई NTPC EET 2021 ऑन द वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके अपना पूरा फिल कर सकते हैं फॉर्म को, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप साइट पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो आज से ही स्टार्ट है 16 अप्रैल 2021 से, एंड लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मई 2021 है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।